बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलिया ने लाहौर के लिए खुशखबरी है कि जेडीसी फाउंडेशन ने जो वादा किया था कि हम कराची की तर्ज की तरह का आईटी सिटी लाहौर में बनाएंगे, तो अब उसका काम मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एपीएस स्कूल मॉडल टाउन में, जहां जेडीसी फाउंडेशन ने जो आईटी सिटी का काम था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दिया। और आपको मैं इस वक्त मनाजर दिखा रहा हूँ जेडीसी फाउंडेशन की फ्री आईटी सिटी के। हम यहाँ पर वही तमाम तर कोर्सेज, जिस तरह कराची में 3.25 लाख स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ये क्लासरूम्स हैं और अब मैं आपको जदीद लैब के मनाजर दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जेडीसी फाउंडेशन की जदीद लैब, जहां पर हाई एंड क्वालिटी के जो सिस्टम्स हैं वो मौजूद है। हर क्लास में हमने एसी लगाया हुआ है। आप सिस्टम की स्क्रीन देख सकते हैं कि अगर यहां पर एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ईबे, दराज, शॉपिफाई, जो भी ऑनलाइन कोर्स होगा उसकी क्लासेस लेंगे तो स्टूडेंट्स अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में पढ़ सकेंगे। ये दूसरी लैब है जिसके मैं मनाजिर दिखा रहा हूं आपको। जेडीसी फाउंडेशन ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब लाहौर के बच्चे भी, लाहौर के रिहायशी भी उसी अंदाज में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं जिस तरह कराची में क्लासेस के बाद स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब ये मंजर लाहौर से देख रहे हैं और ये जेडीसी फाउंडेशन का फ्री आईटी सिटी में जो लैब है उसका काम मुकम्मल हो चुका है। और ये मैं आपको क्लासेस के मनाजिर दिखा रहा हूँ। जेडीसी फाउंडेशन ने जो वादा किया था कि हम लाहौर के रिहायशियों के लिए भी एक हाई एंड फैसिलिटी बनाएंगे आईटी सिटी की सूरत में, कि जहां पर तमाम तरह ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तो उसका मंजर मुकम्मल हो चुका है। और मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।